नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइफ। मैं हूं आपके साथ काजल। नेशन लाइफ की ड्राइव नोयो स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम मौजूद हैं इंदर सिंह पब्लिक स्कूल में। यहां शिक्षा पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस स्कूल के चेयरमैन मौजूद हैं, मिस्टर अक्षय लाकरा जी। आइए इनसे बात करते, जानते हैं इनके क्या विचार हैं शिक्षा पर। नमस्कार सर। सर वेलकम टू आवर चैनल। सर, क्योंकि हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपसे आपके स्कूल के बारे में जानना चाहूँगी। जब स्कूल की स्थापना हुई थी तो आप क्या मन में लक्ष्य लेके चले थे और कितनी ऊंचाइयों तक आप इस स्कूल को लेके जाने वाले हैं? देखिए, स्कूल का जो हमारा सबसे पहला जो लक्ष्य था और जो मोटिव जिसको लेके हम लोग आगे बढ़े हैं, दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन, एंड सेकेंड इज़ डिसिप्लिन, एंड थर्ड तीसरी चीज़ इसको लेकर हम आगे बढ़े हैं, दैट इज़ जो हमारे स्कूल का मोटो भी है, दैट इज़ स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। वो है तो स्कूल की को स्थापित करने में, आगे चलाने में और आने वाले भविष्य में भी जो स्कूल की हमारी सोच है वो ये है कि मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनके सभी बच्चों तक अच्छी और एक क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करने का हमारा टारगेट है, और जिसको कहीं ना कहीं हम अभी तक काफ़ी सक्सेसफुली करते आ भी रहे हैं और आगे भी इसको हम करेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि डिसिप्लिन आपके लक्ष्य में ही था, तो डिसिप्लिन से मैं सवाल लेना चाहूँगी कि कैसे, कितना मुश्किल होता है कि पूरे स्कूल का डिसिप्लिन संभालना? देखिए, डिसिप्लिन, दीज आर ऑल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है स्कूल का, वो ना सिर्फ आपको एक किताबी ज्ञान की तरफ लेकर जा रहे हैं, नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स, इट्स अ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दैट वी आर इम्पार्टिंग फ्रॉम आवर स्कूल। उसमें ना सिर्फ एक बच्चे को एक अच्छा स्कूल ग्रेजुएट या कॉलेज ग्रेजुएट बनाने का हमारा टारगेट है, बट द टारगेट इज़ टू मेक अ गुड ह्यूमन बींग आउट ऑफ हिम। अगर एक मैं बहुत ही छोटा सा किस्सा एक बताऊँ, यदि एक नर्सरी क्लास का बच्चा गुड मॉर्निंग लिख सकता है और वो सुबह उठ के यदि अपने माँ बाप को गुड मॉर्निंग कह रहा है, तो इन दो बातों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ गुड क्वालिटी एजुकेशन, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हमारी तरफ से रहते हैं, जो कि हम काफ़ी अच्छे तरीके से निभा भी रहे हैं, हमारे टीचर्स उसको काफ़ी अच्छे से कंटिन्यू भी करते हैं, और दूसरा उसको सब्जेक्ट वाइज आप यदि देखें, प्राइमरी सेक्शन की तरफ जाएं, दूसरे आप सीनियर क्लासेस की तरफ जाते हैं, तो उसको इम्पोज करते टाइम ये हमारा ध्यान रहता है कि हम बच्चे को एक ना सिर्फ इन्वायरमेंट ऐसा दें कि उसको कोई फोर्सफुली पढ़ा रहा है, उनके घर वालों ने कहा है यहाँ पढ़ने के लिए, और देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन की इट हैज़ टू बी अ फन बेस्ड एक्टिविटी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है इज टू ग्रूम द ओवरऑल इंडिविजुअल आउट ऑफ अ स्टूडेंट, एंड ऑल्सो द सोशल इम्पैक्ट एंड द इमोशनल इम्पैक्ट ऑन अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द एजुकेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन के टाइम पे जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। सो वी फोकस ऑन दैट, प्लस ऑल्सो आप देखें, खासकर जिस क्षेत्र में हम हैं, जहाँ पर हमारा स्कूल स्थित है, जहाँ पर अधिकतर मध्यम वर्ग के परिवार रहते हैं, उसको लेकर हमारी सोच ये कि हम कोई भी इनडिसिप्लिन की एक्टिविटी, जैसे आपने डिसिप्लिन से बात शुरू करी, तो इनडिसिप्लिन की ये जो इश्यूज़ आते हैं वो अधिकतर प्राइमरी क्लासेस से या फिर प्री प्राइमरी में ही यदि उनको रोक दिया जाए, पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाए, पेरेंट का और टीचर का एक रेगुलर इंटरेक्शन हो, ताकि वो बच्चे के एक पूरे रूटीन पे, उसके बिहेवियरल इश्यूज पे सारों को ट्रैक कर सके, और हम उसको अकॉर्डिंगली उसके उसको मदद कर पाएँ, असिस्ट कर पाएँ, उसको काउंसिल कर पाएँ। सो दिस इज़ व्हाट वी फोकस ऑन। सर, अभी पूरे हमारा 2 इयर्स कोविड में चला गया, कोविड समय काफ़ी सबके लिए टफ रहा है। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम में था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये इंदर सिंह पब्लिक स्कूल कैसे कोविड सिचुएशन से कोप अप कर पाया है? सी, एज फार एज द कोविड पेंडेमिक इज कंसर्न, इट वॉज जस्ट नॉट फॉर आर स्कूल, इट वॉज फॉर द होल वर्ल्ड। एज फार एज आर स्टूडेंट इज कंसर्न, वी प्रोवाइड कम्प्लीट स्मार्ट क्लास बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म। द स्टूडेंट्स कैन एनरोल ऑन आर स्टूडेंट ऐप, द पेरेंट विल बी प्रोवाइडेड अ सेपरेट पेरेंट ऐप, द टीचर्स विल बी एक्सेसिंग द होल क्लासरूम टीचिंग वाया द टीचिंग एजुकेशन ऐप, टीचर्स ऐप, एंड फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड इज वेल वी हैव अ कम्प्लीट न्यूक्लियस विच इज़ कीपिंग अ ट्रैक ऑफ एवरी एक्टिविटी,
एंड एज फार एज द पेंडेमिक इज कंसर्न वी फेस वेरियस चैलेंजेस. आज हमारे पास क्लास पहली दूसरी के अंदर वो बच्चे हैं जो दो साल तक जिन्होंने स्कूल ऑफलाइन मोड पर एक्सेस नहीं कर पाए. ऑनलाइन मोड की भी यदि बात करें तो ऑनलाइन मोड पर आप लोगों ने एजुकेशन इम्पार्ट करी, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में एक सोशल और इमोशनल इम्पैक्ट वो हमें देखने को मिला, और वो कहीं ना कहीं आज भी उस पर हम लोग वर्क अपॉन कर रहे हैं. लेकिन आज जिस तरीके से हम लोगों ने जो एनवायरनमेंट दिया है दैट हैज़ बीन एग्जेम्पलरी, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई स्टाफ एंड माई टीचर्स कि वो किस तरीके से इस चीज़ को बच्चों में इस चीज़ को जो गैप आया है उसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं. कोई एजुकेशन में कोई गैप नहीं है एंड वी आर कम्प्लीटली इक्विप्ड, आर स्टूडेंट्स हैव बीन इक्विप्ड कि वो आने वाले समय पर यदि ऐसा कोई पेंडेमिक आता है तो वो इसके साथ अच्छे से कोप अप कर सके. ये तो बात रही हमारे स्टूडेंट्स की. एज फार एज नॉन स्टूडेंट्स आर बीइंग कंसर्न, जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन एज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम जिस लोकेलिटी में हैं, जिस एरिया में हैं, इंदर सिंह पब्लिक स्कूल वॉज द फर्स्ट एवर प्राइवेट स्कूल इन दिल्ली दैट वॉज प्रोवाइडिंग फ्री कोविड वैक्सीनेशन. हम लोगों ने 6 महीने तक लगातार दिल्ली के अंदर इस विकासपुरी विकास नगर क्षेत्र में वी हैव बीन प्रोवाइडिंग फ्री कोविशील्ड वैक्सीन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव थी. दिल्ली गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने टाई अप करके अप्रॉक्सीमेटली 15,000 बेनिफिशरीज हम लोगों ने दिए, जिन लोगों ने वैक्सीन हमारे स्कूल से लगवाई. सर मैं अगला सवाल आपसे, हमारी गवर्नमेंट ने एक NEP लॉन्च करी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या उसे लेना चाहूँगी कि NEP के अकॉर्डिंग जो पहले 10+2 पैटर्न होता था अब वो हटा दिया गया है, अब 5+3+3+4 कर दिया गया है. तो ये पैटर्न बच्चों के लिए कितना लाभदायक आप साबित कर सकते हैं? सी बेसिकली NEP इज अ फैबुलस प्रोग्राम. इफ़ यू टॉक अबाउट NEP एंड हाउ NEP इज इम्पैक्टिंग द स्टूडेंट्स, उसका माई मेजर कंसर्न विद NEP इज द इम्प्लीमेंटेशन. हैविंग अ गुड प्रोजेक्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. एंड एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न वी हैव बीन कम्प्लीटली फोकस ऑन हाउ NEP इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. इफ यू टॉक अबाउट 5+3+3+4 स्कीम, और यू इवन टॉक अबाउट द टर्म सिस्टम इन द स्कूल एजुकेशन, आर स्कूल वॉज द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट दिस सेमेस्टर सिस्टम इन आर स्कूल. Even now in our school, you will check by the end of October, the semester one will get over, semester second will start, and we have separate book set for the same. Plus, we also have the zero luggage policy in the bag. बच्चों के school bag के अंदर बच्चों की diary, lunch box, tiffin के अलावा, especially in the pre-primary, it's a zero bag, and we have zero bag days as well, जिनमें बच्चों को school में कोई bag नहीं लेकर आना. प्लस वी हैव पर्सनल लॉकर फॉर आर स्कूल्स इन फॉर आर स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. जो प्री प्राइमरी के हमारे स्टूडेंट हैं उनकी बुक्स, उनकी वर्क बुक्स अकॉर्डिंगली दे हैव बीन प्लेस्ड. और बच्चों को जो बैगेज की पॉलिसी है उसके अलावा भी इफ यू टॉक अबाउट हाउ स्पेशली इन द प्राइमरी क्लासेस वी डोंट जो बुक एंड नोटबुक कल्चर जो काफ़ी टाइम से चल रहा था उसको हम लोगों ने कम करके वी हैव फोकस्ड ऑन द वर्क बुक थिंग. एक इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोसेस के तहत हम लोगों ने वर्कबुक सिस्टम काफ़ी इम्प्लीमेंट किया है जिसको बच्चे पढ़ भी रहे हैं, इंटरैक्टिव भी है, और एकेडमिक अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एज वेल इफ़ यू लुक अबाउट हाउ इन दिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इफ़ यू टॉक अबाउट वी हैव बीन फोकसिंग इट ऑन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग ये प्री प्राइमरी में और प्राइमरी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं. प्लस वी आर हैविंग एक्सीलेंसी किट. हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का देर इज अ सेपरेट एक्सेलेंसी किट. देर आर वेरियस टीचिंग एड्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द टीचर जो फिर उसको क्लासरूम में यूज़ करती हैं. क्लासरूम इन्वायरमेंट बड़ा ही इंटरैक्टिव है और उसका इतना ज़्यादा बच्चों पे इम्पैक्ट होता है कि वो एक उस प्रोसेस को एक फन एक्टिविटी के तौर पर लेके फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एंड एज फार एज पेरेंट्स आर बीइंग कंसर्न, जो भी NEP को लेके बहुत ही मिसकंसेप्शंस कहिए या फिर डाउट्स कहिए वो हम लोगों ने काफ़ी तहत हम लोगों ने क्लियर करे. सर NEP में जैसे पहले क्या होता था, किताबी ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया गया था. NEP के आने से एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि बच्चे जो हैं प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं. तो आपके स्कूल में बच्चों की ऐसी क्या स्थिति है, आप कितना प्रैक्टिकल उनके स्किल्स वोकेशनल स्किल्स पर इतना ध्यान? सी द प्रैक्टिकल एजुकेशन एज फार एज इज बीइंग कंसर्न वो प्री प्राइमरी में, प्राइमरी में और मिडिल स्कूल में व्हाट वी हैव बीन फोकसिंग इज वो बच्चों के लिए जब बच्चा कोई भी चैप्टर प्री प्राइमरी में शुरू करता है, कोई भी कंसेप्ट, फोनेटिक साउंड्स शुरू होते हैं, सो दीज आर ऑल एक्टिविटी बेस्ड.
हमारे स्कूल में प्री प्राइमरी के लिए एवरीथिंग इज एक्टिविटी बेस्ड। हमारे स्कूल में प्राइमरी के लिए अगर आप जाओगे तो एवरी टीचर हैज़ बीन गिवन अ टैबलेट एंड द टैबलेट इज बीइंग मिरर कास्टेड इनटू द टीवी। तो जो भी उसके विजुअल एड हैं एवी ऑडियो वीडियो के जरिए जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं एज फार एज स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स इज कंसर्न, मैथ्स के लिए वी हैव सेपरेट बोर्ड गेम्स जो बच्चों को ना सिर्फ नोटबुक और बुक कल्चर की तरफ फोर्स करते हैं बल्कि बोर्ड गेम्स के जरिए ऑल दोज कंसेप्ट हैव बीन मेड वेरी इजी। ईवीएस की यदि हम बात करें, एसएसटी की बात करें, साइंस की यदि हम बात करें, ऑडियो विजुअल एड के तहत उनको बड़ा ही सिंप्लीफाई करके और टीचिंग एड के जरिए बड़ा ही सिंप्लीफाई करके बच्चों को बताया गया है, वो इट मेक्स इट वेरी इंटरैक्टिव और बच्चा ना कि उस चीज़ से दूर हो और उस चीज़ से रिस्पॉन्स हमें इतना अच्छा मिलता है कि बच्चे घर पर जाकर जो हमारे स्कूल की अपनी एक स्टूडेंट ऐप है उसमें वो जाके फिर वो विजुअल एड की वीडियोज़ देखते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं जिसका रिजल्ट हमारे सामने आता है। सो वी ये जो द कम्प्लीट लर्निंग प्रोसेस इट्स ऑल फन लविंग एंड इट्स इंटरैक्टिव और रिस्पॉन्स हमें काफ़ी अच्छा मिलता है बच्चों से। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, तो उनको आप स्कूल में कैसे फॉलो करेंगे, स्कूल के ओवरऑल डेवलपमेंट की, स्कूल की ग्रोथ में? सी माय एक्सपीरियंस इज टू रन द स्कूल आई माइट से इट इज वेरी माइन्यूट इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, बट एज फार एज द इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न आई strongly believe what I have said in the starting of the interview, that is providing quality education, maintaining discipline, and third, our school motto is strive for excellence. I totally believe in giving in 100%, और मैं ये focus भी करता हूँ कि हमारा staff, पूरा management, the complete IPS fraternity is giving their, devoting themselves 101%. और बच्चों में जब हमें वो रिजल्ट मिलता है, व्हेन पेरेंट्स कम अप टू मी आफ्टर द पीटीएम एंड टेल मी कि वी हैव सीन द डिफरेंस इन आवर चाइल्ड्स बिहेवियर, वी हैव सीन हिम ग्रो एकेडमिकली, वी हैव सीन हिम ग्रो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और ना सिर्फ जो स्कूल से हमारे बच्चे पास आउट होके वो स्कूल ग्रेजुएट हो जाएँ, उसके बाद वो बच्चे जब अलग अलग किसी भी फील्ड में जाएँ, इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ apart from the NEET JEE thing, we also have CUET coming up this year. CUET ko attempt karne ke liye, getting a good board marks and then attempting CUET, these are two different things. Hamara bachcha kya jab attempt karega, jab wo class 12 se clear ho jayega, wo hamare liye bada important. And as far as my implementation is concerned, I strongly believe in providing them a very healthy and good environment for our teachers, for our students. तो उस एनवायरनमेंट में वी वांट स्टूडेंट्स टू बी वेरी पार्टिसिपेटिव, उनका इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सर बीइंग एज चेयरमैन ऑफ द स्कूल, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। इट हैज़ बीन फैबुलस, आई हैव सीन गुड रिजल्ट्स एंड वी हैव बीन फोकसिंग ऑन सम नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, सम नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल। As far as the other schools are concerned in the local by they usually charge some sort of donation development fee, annual charges. This is zero development and donation fee from our side. We don't take any annual charges. The fees has been kept quite nominal because our trust which is running the school, we basically want to provide quality education to maximum number of middle class students, provide them with a good smart class education program, make them equipped with various technologies that are active in the recent world. And we don't, in our school also, what was very important that as far as the English language is concerned, proficiency in English language is concerned, ये बड़ा ही एक ऐसा फैक्टर रहता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अफेक्ट करता है बच्चों को। ऐसे में इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, वी हैव फोकस्ड इट इंग्लिश लैंग्वेज एज एल्गा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस को हम लोगों ने उसको दो हिस्सों में ब्रेक किया और उसका हम लोगों ने एक करिकुलम पूरा डिज़ाइन किया जो बच्चों को ना सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ फोकस करवाता है बल्कि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी आता है और फिर बच्चे उस पर फोकस करते हैं। सर आखिरी क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी कि आपके स्कूल में से क्या क्या यूनिक फैसिलिटीज़ है जो बच्चों के ओवरऑल विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण?
See, we have been providing complete smart class education platform. We have the biggest stock of library. We have the composite science lab. We have a CCTV and a 24/7 security guarded campus. We have canteen facility. We have various extracurricular activities going on in the classes. We have a good art room. We have various playway area for pre-primary students. We have various martial art activities, and our students have been doing quite well. Recently, four art student got gold medal in the Silambam Delhi State Championship. Also, we are planning to build a swimming pool in the school premises as well. So it's a very good campus. We are providing n number of facilities because our target is to provide them with the platform that they can counter with the modern world, and they are equipped not academically but also as a good human being. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे ऑडियंस के साथ बनने के लिए. ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए नेशन लाइफ. धन्यवाद.